नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आदित्य सिंह। तो स्वागत है आपका हरियाणा पंजाब में, जहां हम बात करेंगे हरियाणा पंजाब की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि पिछले 20 दिनों के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा दूसरी बार पहुंचे हैं। इस बार बीसी सम्मान सम्मेलन के सहारे दक्षिणी हरियाणा के अहिरवाल क्षेत्र को साधने महेंद्रगढ़ आए। वहीं अमित शाह ने कहा कि हरियाणा सरकार ने ओबीसी समाज के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए क्रीमी लेयर की सीमा को 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख किया। और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आज नायब सिंह जी ने ये बीसी सम्मेलन में, ओबीसी सम्मेलन में, पिछड़ा वर्ग के सम्मेलन में हमेशा हरियाणा के पिछड़ा वर्ग ने भाजपा को आशीर्वाद दिया है। अब भाजपा का भाई एक कर्तव्य बनता है, जो कुछ किया है उससे ज्यादा करकर हम आपके पास आए। नायब सिंह जी की कैबिनेट ने 3 निर्णय करे हैं। सबसे पहला निर्णय, क्रीमी लेयर की सीमा 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख करने का निर्णय नायब सिंह सैनी भाजपा सरकार ने किया है। इसके साथ साथ 8 लाख गिनने में तनख्वाह भी नहीं गिनी जाएगी और कृषि की आय भी नहीं गिनी जाएगी। अब हर बच्चे को ओबीसी का फायदा मिलेगा। अब तक पंचायतों में जो रिजर्वेशन था उसको भी बदलने का फैसला किया है। पंचायत में 8% रिजर्वेशन ग्रुप ए के लिए था, उसके साथ 5% रिजर्वेशन ग्रुप बी के लिए भी आज से शुरू हो जाएगा। इससे बहुत बड़े हरियाणा की जनता को ये आरक्षण का फायदा मिलेगा। रिजर्वेशन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में भी 5% ग्रुप बी के लिए शुरू होगा, 8% जस का 10 रहेगा और ग्रुप बी का रिजर्वेशन 5% ज्यादा मिलेगा। भाइयों बहनों, ये तीनों जो निर्णय है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति को लागू करने वाले। कल हुड्डा साहब ने घोषणा की है, हरियाणा के गांव गांव जाकर कांग्रेसी हिसाब मांगेगा। हिसाब मांगे हरियाणा, हुड्डा साहब हम क्यों डेबिट रखें? मैं तो हिसाब लेकर आया हूं और यहां से चुनौती देता हूं हुड्डा साहब, हमारे 10 साल और आपके 10 साल का हिसाब लेकर हरियाणा की जनता के पास जाइए। और आज मैं हरियाणा के भाजपा के एक एक कार्यकर्ता का आह्वान करना चाहता हूं, हिसाब वो क्या मांगेंगे हम लेकर जाएंगे। हुड्डा साहब सुन लीजिए, मैं बनिया का बेटा हूं, पाई पाई का हिसाब लेकर आया हूं, पाई पाई का हिसाब। आपने 10 साल तक ऊपर और नीचे कांग्रेस की सरकार बनी, हरियाणा को क्या दिया? सिर्फ 41,000 करोड़ रुपया दिया। भाइयों और बहनों, कितना दिया? 41,000 करोड़, जोर से बोलो, रटना चाहिए, कितना दिया? और नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल की सरकार 10 साल चली, इन्होंने 2,59,000 करोड़ रुपया देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने, आपसे 6 गुना पैसा हरियाणा को देने का नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है। आप हिसाब लेकर आइए, एक चौराहा तय करिए। हमारे मुख्यमंत्री को आने की जरूरत नहीं है, हमारा युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष आकर आपसे 2-2 हाथ करने के लिए तैयार है। आप क्या हिसाब मांग? आप हिसाब दे सकते हो नौकरियों में करप्शन का? आप हिसाब दे सकते हो जातिवाद फैलाने का? आप हिसाब दे सकते हो पिछड़ा वर्ग को न्याय करने का? आप हिसाब दे सकते हो परिवारवाद का? विकास का हिसाब नहीं दे सकते। मैं नायब सिंह सैनी को कहना चाहता हूं, वो और प्रदेश अध्यक्ष जी 6 की 6 पंचायतों के प्रमुखों को मिलकर उनका सम्मान भी करें और हिसाब भी दे। हुड्डा साहब
हिसाब आपको देना है 10 साल के कुशासन का, 10 साल के बीसी के अन्याय का, 10 साल हरियाणा को विकास से महरूम रखने का। आपने हर घर में गैस नहीं पहुंचाया, हमने पहुंचाया। आपने हर घर में बिजली नहीं पहुंचाई, हमने पहुंचाया। आपने हर गांव में टॉयलेट नहीं पहुंचाया, हमने पहुंचाया। आपने हर गांव में पीने का पानी नहीं पहुंचाया, हमने पहुंचाया। तो आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे, हरियाणा में विधानसभा चुनाव अपनी चौखट पर खड़ा है, जिसे लेकर राजनीतिक पार्टियों की कसरत तेज हो गई। इसी कड़ी में बीजेपी ने महेंद्रगढ़ के पाली में पिछड़ा वर्ग सम्मान सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें मुख्य रूप से केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह मौजूद रहे। इस मौके पर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर तीखे तीर छोड़े और साथ ही कहा कि सिर्फ बीजेपी ही पिछड़ा वर्ग का ध्यान रखती है, कांग्रेस ने भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, पिछड़ा वर्ग के लिए कुछ नहीं किया। और क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मुझे गर्व है कि आज इतनी बड़ी संख्या में बीसी समाज के हमारे भाई बहन मैं इस पवित्र भूमि के ऊपर देख करके भाव विभोर हो रहा हूं। ऐसा लग रहा है अपने विशाल कुटुंब के अंदर के बीच में आ गया हूं, अपने परिवार के बीच में। इस समारोह में आप सबका इतनी बड़ी संख्या में भाग लेना इस बात का प्रतीक है कि बीसी समाज हमारी नीतियों और योजनाओं में आदरणीय अमित शाह जी आपके साथ पूर्ण विश्वास करता है। हम आपके इस विश्वास को और भी मजबूत करते रहेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो पिछड़ा वर्ग समुदाय का सबसे ज्यादा ध्यान रखती है और आपको हर स्तर पर सबसे ज्यादा प्रतिनिधि देती है। मुझे ये बड़ा गर्व होता है आप सबके बीच में कहते हुए कि हमारे हरियाणा के दो सांसदों को जो बीसी समाज से आते हैं भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री बनाने का काम वो आपने किया है, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। इससे पहले परिवारवादी पार्टियों ने कभी भी पिछड़े दलित समुदाय को आगे बढ़ने नहीं दिया, उन्होंने कभी भी पिछड़े वर्ग को निर्णय लेने का अधिकार नहीं दिया, कभी भी आपका मान सम्मान नहीं बढ़ाया। उसकी मानसिकता पिछड़ा वर्ग ऐसी ऐसी विरोधी रही है। परिवारवादी पार्टियों के संरक्षण में सिर्फ उनके नाते रिश्तेदार फलते फूलते रहे हैं, उन्होंने भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने का काम ये किया है। परिवारवाद की मानसिकता के चलते ही कांग्रेस ने कभी भी पिछड़े वर्ग से मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। मैं धन्यवाद करता हूं आदरणीय अमित शाह जी आपका, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, पहली बार हरियाणा प्रदेश से एक पिछड़े समाज से एक गरीब परिवार से आज एक मुख्यमंत्री आपने बनाया है, मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूं। मुझे ये खुशी है कि हम जानते हैं पिछड़े समुदाय में बड़ी संख्या में हाथ से काम करने वाले हमारे कौशल युक्त भाई बहन आते हैं, हमारे मिट्टी के बर्तन बनाने वाले, जेवर गढ़ने वाले, कपड़े सिलने वाले, मूर्ति मकान आदि बनाने वाले सभी साथी पिछड़े वर्गों में ही आते हैं। आपका देश के निर्माण में बड़ा योगदान है, इसी के प्रति कृतज्ञ व्यक्त करते हुए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 17 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना उसकी शुरुआत की, जिसका लाभ हमारे ओबीसी समाज को मिल रहा है। मुझे ये खुशी है कि जब से आप लोगों ने 2014 से इस देश के ऊपर आप लोगों ने जो पिछड़े वर्ग को सम्मान दिया है, मुझे ये गर्व होता है आज पिछड़ा समाज के बीच में बताते हुए
कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब ओबीसी आयोग का बिल लेकर के आए, भाइयों कांग्रेस पार्टी ने उसका विरोध किया और कांग्रेस पार्टी लगातार उस सोच के आधार के ऊपर काम करती रही कि पिछड़े को एक वोट बैंक के इस्तेमाल में किया जाए, उसको अधिकार ना दिए जाए। परंतु ये अधिकार आपने ओबीसी समाज के सुरक्षित भी किए हैं और अधिकारों को देने का काम भी ओबीसी समाज को आपने किया है। मैं आपका आज इस हरियाणा की भूमि के ऊपर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मुझे इस बात की खुशी है कि जब से ओबीसी आयोग बना है, ओबीसी आयोग को आपने संवैधानिक शक्तियां दी है, आज हमारे ओबीसी समाज के बच्चों को चाहे केंद्रीय विद्यालय है, नवोदय विद्यालय है, सैनिक स्कूल है, MBBS के अंदर है, हमारे बच्चे आज उसमें एडमिशन ले रहे हैं। ये आपकी नीतियों का परिणाम है। मैं दिल से धन्यवाद करता हूं आपका। तो खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे, कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने यमुनानगर में सिविल अस्पताल के पास से रोहतक से शुरू हुई हरियाणा मांगे हिसाब पदयात्रा की शुरुआत की। उनके साथ अंबाला के सांसद वरुण चौधरी भी मौजूद रहे। भाजपा सरकार से हिसाब मांगते हुए उन्होंने कृषि मंत्री कंवरपाल गुज्जर पर जमकर निशाना साधा और साथ ही इस दौरान हुड्डा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी सरकार में बेटियों को सड़कों पर घसीटा गया है, जनता पर अत्याचार किए गए हैं। और साथ ही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आज का जो हमारा कार्यक्रम हरियाणा मांगे हिसाब कार्यक्रम, हरियाणा मांगे हिसाब कार्यक्रम के माध्यम से कांग्रेस पार्टी घर घर पे जाए, घर घर तक जाएगी। कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता डोर टू डोर कार्यक्रम के माध्यम से हर घर में भाजपा सरकार की विफलताओं का पुलिंदा लेके भी पहुंचेंगे, क्योंकि तो हरियाणा हिसाब मांग रहा है 10 साल का भाजपा सरकार से, और कांग्रेस के संकल्प भी लोगों तक पहुंचाएंगे। कांग्रेस के क्या संकल्प है, जो हमारी सरकार बनेगी तो हम क्या करेंगे, और लोगों से भी सुझाव लिए जा रहे हैं कि हमारी घोषणा पत्र में क्या क्या बातें हम शामिल कर सकें। जनता का मैनिफेस्टो हम तैयार करेंगे लोगों के सुझाव लेकर। इन बातों को लेकर आज यमुनानगर में हमने एक लघु पदयात्रा करी। आपने देखा भीषण गर्मी में भी हजारों की संख्या में लोग जिस तरीके से उमड़ के आए, वो संकेत है कि हरियाणा के अंदर लोगों ने बदलाव का मन बना लिया है। आज केंद्रीय गृह मंत्री हरियाणा में आ रहे हैं, हम उनसे सवाल पूछना चाहते हैं कि वो ये बताएं हरियाणा में जो आ रहे हैं कि जो नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो गृह मंत्रालय के अंतर्गत जो आती है उसके अनुसार पिछले लगातार 3 वर्षों से देश में सबसे ज्यादा अपराध दर हरियाणा में है। उन्हीं का मंत्रालय ये बता रहा है कि देश में सबसे ज्यादा अपराध हरियाणा में है, तो बताएं यदि उनका मंत्रालय सही बता रहा है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है। 10 साल के बाद सबसे ज्यादा अपराध दर हरियाणा प्रदेश में है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर हरियाणा प्रदेश में है। देखो ये बताएं, ये कंवरपाल जी बताएं कि यमुनानगर में बीजेपी ने यमुनानगर की इतनी दुर्दशा क्यों की 10 साल में। आज यमुनानगर की स्थिति किसी से छुपी नहीं है। आज यमुनानगर में 10 साल से कोई एक इंडस्ट्री नहीं आई, प्लाईवुड की इंडस्ट्री ठप हो गई। जवाब दें इस बात का, अगर नहीं हुई तो बताएं कि प्लाईवुड की इंडस्ट्री बहुत खुशहाल हो रही है। पेपर मिल बंद होगी, इस बात का जवाब दें। कंवरपाल जी इस बात का जवाब दें, सिविल अस्पताल में कुछ इन्होंने बढ़ोतरी करी थी, आज सिविल अस्पताल में 100 डॉक्टरों के पद खाली हैं, 197 डॉक्टरों की पोस्ट है, केवल 95 डॉक्टर काम कर रहे हैं, सीनियर डॉक्टर भी नहीं है। इस बात का जवाब दें कंवरपाल जी, जवाब दें। जो सिविल अस्पताल में इनकी सरकार में जो नया सेक्शन बना था वो टूट, उसमें वो टूट गया है। आप आपे आज जो है आप देखो आपने रोज टाइलें गिर रही है। कंवरपाल जी उस बात का जवाब दें, कंवरपाल जी जवाब दें कि खनन माफिया भ्रष्ट, ये भ्रष्टाचार में
जो है यमुनानगर का नाम और खनन माफिया का नाम पूरे देश में इतना बहुचर्चित क्यों हो गया? कौन है वो खनन माफिया के, कौन लोग हैं जो खनन माफिया का संरक्षण कर रहे हैं, उनके सर्गनाथ कौन लोग हैं, ये इस बात का जवाब दें। चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां पंजाब के मोहाली में बनूड़ के पास पुलिस और गैंगस्टर के बीच मुठभेड़ हुई है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक इसमें गैंगस्टर को गोली लगी। क्रॉस फायरिंग के बाद पुलिस ने गैंगस्टर को काबू कर लिया। वो विदेश में रहने वाले गैंगस्टर के इशारे पर वारदातों को अंजाम देता था। उसके पास से हथियार भी बरामद हुए हैं। साथ ही पता चला कि गैंगस्टर ने पटियाला में 2 वारदातों को अंजाम दिया था। पंजाब के मोहाली की घटना, जहां पर पुलिस और गैंगस्टर के बीच मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में फायरिंग इंसिडेंट पटियाला एयरपोर्ट हुई सी जी, डिस्ट्रिक्ट पटियाला जी, टोल प्लाजा ते फायरिंग हुई सी अराउंड 12:30 के करीब जी, जिदे च 2 एम्प्लॉइज नाल झगड़ा करके 2 व्यक्ति उत्थों फायरिंग करके कार भजा के लै गए सी जी। उस तो बाद एक इंसीडेंट फायरिंग का रिपोर्ट होया सी राजपुरा विखे जी, नलास रोड ते एक ठेका हैगा, ठेके तो उन्होंने फायरिंग की, जिदे च एक मुलाजम जिहड़ा हैगा करिंदा जिहड़ा उन्हां दा इंजर्ड होया, जिहड़ा अनफॉर्चुनेटली आउट ऑफ डेंजर है बट अंडर ट्रीटमेंट है। तो इमीडिएटली रिस्पोंडिंग टू दैट इन्फॉर्मेशन, जिहड़ियां दोनों इन्फॉर्मेशन आईयां तो उहदे असीं वास्ते असीं टीम्स बनाईयां डीएसपी राजपुरा दे अंडर उहनां दी कमांड हेठ जी, तां उह रात तों ही टीम्स जिहड़ियां इत्थे लगियां होईयां सीगियां इहनां नूं मुकदमे नूं ट्रेस करन वास्ते जी। तो अज इहनां नूं इन्फॉर्मेशन आई कि बनूड़ दे विच कोई इहनां दी शक्की मूवमेंट नज़र आई है, जिहड़े 2 व्यक्ति ने। रिस्पोंडिंग टू दैट इन्फॉर्मेशन जदों इन्हां नूं इंटरसैप्ट किया गया तां इन्हां ने अपील की टीम्स ने कि तुसीं सरेंडर करो, बट इंस्टेड ऑफ दैट उन्होंने फायरिंग की टीम ते। तो अपने बचाव दे विच रिस्पोंड करते हुए पुलिस टीम ने जदों रिस्पोंड किया तां उन्हां दे गनशॉट इंजरीज होईआं, वो असीं चैक करांगे। तो फिलहाल हरियाणा पंजाब में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार इंडिया वॉइस पर जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहेंगे।